हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक क्वेश्चन जो कि एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 50,653 बाई एस्टिमेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। देखिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, मैंने बताया एस्टिमेशन के लिए पहले हम ग्रुप बनाते हैं। तो राइट साइड से, दैट इज़ राइट साइड, इधर से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में 3 डिजिट होने चाहिए। पहला ग्रुप देखिए 653 का हो गया और दूसरा ग्रुप हमारा बना 50 का। तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद जितना बचता है, जितने डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट, वो सेकंड ग्रुप में चला जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 653 फर्स्ट ग्रुप में आ गया और 50 सेकेंड ग्रुप में चला गया, जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे लिखा है और सेकेंड ग्रुप हमने ये 50 को बता दिया। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ये 653 जो है, ये वंस डिजिट के लिए होता है। जो क्यूब रूट आएगा उसका वंस डिजिट बताएगा क्या होना चाहिए। तो देखिए, 653 का वंस डिजिट क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्यूब रूट का वंस डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपकी बुक में लिखा है, 3 है तो 7 हो जाएगा। अगर 7 होता तो 3 हो जाता, 2 होता तो 8 हो जाता, और 8 होता तो 2 हो जाता। ये 2 और 3 के लिए है। बाकी 1, 4, 5, 6 ये सभी नंबर अगर होते, ये 0, तो उनकी जगह पर वही नंबर होता, वही डिजिट होता, सेम डिजिट होता। लेकिन 2 के लिए 8 और 3 के लिए 7। यहाँ पे देखिए 3 था, इसलिए वंस डिजिट क्या हो गया, 7 हो गया। अब बात आती है सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में यही चीज़ आपको कैलकुलेट करके देखना है कि टेंथ डिजिट क्या होगा। यह जो कि हमने टेंथ डिजिट लिख दिया, तो इसको समझने के लिए देखिए, मैं यहाँ कैलकुलेशन किया हूँ। 1 का क्यूब 3 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 हमने लिख दिया है, और 4 का क्यूब 64 लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, आप अपने इस नंबर को 50 को देखिए, किन दो के बीच में आ रहा है, ये 27 और 50 के बीच में आ रहा है। ध्यान से देखिए, 27 और 64 के बीच में 50 आ रहा है, 27 और 64 के बीच में 50 आ रहा है, ये सेकंड ग्रुप का जो नंबर है। तो इसलिए अब इनमें से कम कौन सा है, 27 है। ये किसका क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट है, इसलिए टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब जब हमको टेंथ डिजिट मिल गया 3, फिर से समझ लो इसको, 27 3 के क्यूब से मिला था, 64 4 के क्यूब से मिला था, तो दोनों में कम कौन सा है, 3 है, इसलिए टेंथ डिजिट 3 हो जाएगा, कम वाला ही लिया जाता है। तो फाइनली क्यूब रूट ऑफ 50,653 क्यूब रूट ऑफ 50,653 विल बी 37। ये टेंथ डिजिट को 3 और वंस डिजिट को 7 लिख देंगे, ये हो जाएगा 37। इस तरीके से ये आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ये देखिए, और आ गया होगा, तो ये यही इसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।